Karmaya Adamdhan Vinadara Subhyam Purayam Gopakindai Vindaranyam Sapadramam Parishati Tikirti Vansi Bikushit Karanavani Radhaka Pītambara Dharnabhimba Paladharushtha Pūrnimba Sundar Mukhadarabhimba Mitra Krishna Param Kimapitattva Mahammadani Ramadutaya Vidmahi Vayu Putraya Dhimahi Tanna Kapi Prachodayat Nama Bhagavate Vayu Om Swasti Shri Ganeshaya Namaha Shri Saraswatye Namaha Shri Vedavyasaya Namaha Shri Shukadevaya Namaha Sarvibhyo Brahmanibhyo Namaha Sarvibhyo Sampradayabhyo Namaha Bale Krishna Radhe Ki Jai Sarva Santam Satya Sanatana Dharma बोल श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय बाल कृष्ण लाल की जय। मेरा भी क्या तेरा दुनिया में वो लोग धन्य हैं जो लोग सत्संग सुनते और सुनाने वाले कोल्लू के बैल की तरह केवल मात्र घूमते। उन्हें सत्संग का आस्वादन नहीं हो सकता। मैंने भी आपके साथ सत्संग का मजा लूंगा। शायद ही आप ये सोचते हो कि शास्त्री बहुत सुनाता है, ये बहुत रसिक है। विश्वास मानो बंधुओं, जिस समय मैं आपको शांत चित्त बैठे हुए देखता हूं, मेरा जी करता मैं उतर कर आपके बीच बैठ। न जाने आप कौन से ब्रह्मानंद को लूट रहे हो जिससे मैं लुटाया जा रहा, परंतु मैं खुद तो नहीं कर सकता। दूल्हा बारात नहीं बन सकता और बारात दूल्हा नहीं बन सकती, लेकिन जब दूल्हा बारात को नाचते देखता उससे खुशी होती है कि आज कोई विशेष दिन है। और नाचने वाले ये कहते हैं, जिन लोगों ने दूल्हा बन कर देखा है वो इसलिए नाचते हैं उसकी मूर्खता पर कि हम तो फंसे यार, तुम भी फंसे यार। और जो दूल्हा नहीं बने हैं वो इसलिए नाचते हैं कि उन्हें चाव है कि मैं भी इस पद पर आऊं। बंधुओं, जो सुख सत्संग में है वो सुख वैकुंठ धाम में नहीं हो सकता। परंतु मैं क्या कहूं, मैंने वैकुंठ को देखा है, मैंने केवल मात्र सत्संग देखा। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, भगवान मुझे सत्संग दिखाते रहते हैं। लेकिन अफसोस है कि मैं सुन नहीं सकता। जब कभी सुनने के लिए जाता हूं मुझे बाध्य कर दिया जाता है कि तुम खुद। यदि मुझे सत्संग सुनाने का चाव होता, कभी मैंने भी शीशे में मुंह देखा होता कैसा, क्योंकि मुझे पब्लिक के सामने था। मुझे सत्संग सुनाने का चाव होता, कभी मैं भी अपने बोरी के पट्टे की क्रीज बनाता, मैं बाल संवारता, परंतु फिर भी धन्य कि मुझ जैसे पापी के मुख से भगवान राम राम का अनुवाद। सचमुच ही यदि बदनाम पापियों के नाम आप गिनो और उनके पापों की गणना करो तो शायद है मेरे पाप उनके कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा होंगे। लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, जैसे कुत्ते को घर पर कितनी रोटी क्यों न खिलाओ, वो किसी की हांडी में अपना मुख डालने लगा। कुत्ते को मांस जी भर कर खिलाओ, लेकिन कुत्ता सूखी हड्डी चबाए बिना नहीं रहा। उस कुत्ते की मानंद मेरा मन, लोगों के द्वारा सम्मानित होने पर ही निष्ठा की ओर क्यों जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। जीवन तो थोड़ा और करने के लिए कार्य बहुत। मुझे ये भी विश्वास है कि मैं अपने करणीय कार्यों को, जो मेरे कर्तव्य हैं, यदि मैं उन्हें आज से दिन रात करना शुरू करूं तो मरने से पहले मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगा। इतना जानने पर, ऐसा होने पर भी यदि नहीं समझता तो बंद हो मुझे मूर्ख जाना। गलती करना पाप और जानबूझकर गलती करना ये वज्र पाप। जो इंसान जानते हुए गलती करता है वो महान पातक है। लोगों को तो स्वर्ग में जगह नहीं मिलती, परंतु ऐसे महान पातकी को, जो जानबूझकर गलती करने वाला हो, उससे नर्क में भी जगह नहीं मिलती। जैसे हॉस्पिटल एक नर्क। कई लोग बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं, वहां कोई बेड खाली नहीं मिलता, लिहाजा उन्हें कहीं पाप जाना। मेरा क्या होगा। ये विचार करता, लेकिन जिस क्षण लोग शास्त्री महाराज की जय कहते हैं मैं भूल जाता हूं। मुझे कभी कभी सोच आती है, अरे शास्त्री यार तूने पुराने पुण्यों का फल खूब खो, बहुत दुनिया को पीछे लगाया, बहुत जय जयकार करवाई, लेकिन अब तो तेरा अंत आने वाला है, अब तो तुम व्यर्थ कर रहे हो। न जाने ये पापी मन क्यों नहीं समझते। और जब कभी भजन के लिए बैठता भी हूं तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, मुझे तुरंत भजन से उठ, बंधुओं मैं तो अपने लिए सोच रहा हूं, आपको क्या शिक्षा दे सकता जिससे अपने लिए कोई ठौर ना हो, जिससे अपने लिए कोई ठिकाना ना हो। यदि वो दूसरों के लिए ठिकाना ढूंढे, वो समझो खुद भी बुद्धू है और दूसरों को बुद्धू बनाए जा रहा है। बहुत से लोग मुझे यूं कहते, शास्त्री हम आपको गुरु के रूप में देखें। मुझे क्षमा करना बंधुओं, कोई गलती से मुझे गुरु रूप में न दे। यदि शैतान के रूप में कोई मूर्ति देखना चाहते हो तो मैं आपके सामने। ये मेरा पांच भौतिक शरीर सभी इंद्रियों से युक्त और चंचल मन वाला, ये किसी क्षण भी धोखा दे सकता है। बोल श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बाल कृष्ण लाल की जय। तुझे सारे जने अपने अपने दौड़ी जाना, भला तुझे घरे सदन आए थे, कोई तुझे सदन से नहीं आया, ना कुछ आना, एक दो बारी हो सकता है, पर बंदा आप गूंगा इस ममता च ऐसा वजेगा, ओ बुरे कुला बुरे कर्म, नीच कुला नीच पाप करै करदा। वो इस संसार दे विच वजीएगा। मुनि सुखदेव जी आखे दे मैं कृष्ट नहीं करनी, ठीक ये विच वजी जाणदा। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल पिता वेद व्यास पुत्र जी समझाने की खातिर आखने लगे, बेटा आप नहीं जानते हो क्योंकि आपकी उम्र कच्ची है। बेटा तो भरी ऋषि 10,000 साल पानी में रह करता था और पानी से बाहर निकलते मछली के मैथुन को देखते ही मन हाथ से फूट गया। आपकी अपनी खरीदी हुई गाड़ी, जिस पर आपका हाथ बैठा, यदि कहीं गलती से एक्सीटर ज्यादा दे दें और ब्रेक से पांव छूट जाए तो कभी आपका साथ। वैसे ही ये चंचल मन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को लेकर के ये फंस और बुद्धि चंचलता को प्राप्त होती है। उस समय शास्त्री ही नहीं, भले ही शास्त्री के बाप दादा भी क्यों ना हो, सभी के सभी खड्डे में गिर जाते। पिता वेद व्यास पुत्र जी समझाने की खातिर आखने लगे, बेटा जैसे तुम बातें करते हो कभी कभी मेरा पिता और तुम्हारा दादा ऋषि पाराशर इसी प्रकार की बातें किया करता था। तो आखता है जे व्याह करने का मैं पाई छे जानूंगा एडा बड़ा योगी बनी है जे जितने जिंदा दुनिया जय जयकार कर दे। ऋषि पराशर की उम्र 1000 साल, ऋषि की उम्र 1000 साल। जिस रस्ते ऋषि जंदा है उस रस्ते लोग अपनी तलियां रहे। उस जमाने च भी ऋषि पराशर ने ज्यादा उम्र जनानी अपने सिरे दी ओढ़नी दुपट्टा द्वार में पूरे प्यारे। कदे उन्हें जनानी अपने बाल जड़े हैं ओदे प्यारे थले छोड़ना इदी पर उन्हें अपनी मस्ती जगह लंघी जाना ओदे मनेगी कदे फर्क के ना। एक दिन हुआ कड़ा ऋषि पराशर कुदे गंगा दे कंडे खड़ोता निक्की निक्की पर खाओ। उसने मलागी अखियां हुई जल्दी गोदी ली, मला हरकी खादा ओदी पालक पाली दी कुड़ी जी सत्यवती बड़े मजे के खड़ोती। उसने उसकी आखियां मृत्यु जामा ऋषि पाराशर ने गंगा पार करनी ही ते बेड़ी च बैठे दा मलाह दी कुड़ी जिहड़ी सत्यवती वो बेड़ी चला करदी ही। रस्ते दे विच जिहड़े बेड़ी पुजी अद्धे पर पराशर मुनि दे मने च पता नहीं कि बुरा। कुड़ी की उम्र 16 साल, ऋषि पराशर की उम्र 1000 साल। मन पता नहीं के पाप आया। तेरी अद्या जी पुजी ते ऋषि पराशर ने पानी की गति बनी उड़ी कुन्ने मेरे पिता ने वेद व्यास मुनि सुना कर दे पीड़ी पशकार पसी उसले मेरे पिता उस सत्यवती कुड़ी की आख्या के देगी तुकी दिखी है मेरा मन चंचल होइया मैं चाहना तेरे विचा मैं एक पुत्र पैदा करा। सत्यवती बेड़ी छोड़िया अखियों पर हाथ रख गया चुप। उसने आख्या मुनि जी तुस मेरे दादे परदादे न्याणी। उन्हें गुस्से करना आख्या अगर तू मेरी गल नहीं मनी मैं तुझे पस्त करूं। बच्ची ही चली सत्यवती आख लगी महाराज तुस किनिया गल्लां करा दे मुनि जी मैं मछली दे पेट चा पैदा होई दियां ते मेरे कोला मुश्क आउंदी बड़ी तुम ऐसा गल्ला नहीं करो। वेद व्यास मुनि पुत्र की सुना कर दे कि ऋषि पराशर ने मतलब मेरे पिता ने उसी वरदान दिता के योजन गंदा भाव तेरे विचा मुश्क नहीं आवे दुर्गंध नहीं आवे जय बोला जिथे तू बैठी दी होगी तेरे कोला 4 करो मतलब 12 किलोमीटर तेरे को लाग खुशबू जारू छे। उसने अखिया मारा तुसे की करे रे स्वामी जी। एक दिन दोपहर तुसे ऐसा पाप करने फुर्त रहे उन्हें अपनी माया करना उससे मैं पूरा पाई। सवेरे का टाइम जी धुंध पे होंगी नीर जहा पूरा का पूरा हो। उसने आखिया महाराज तुस्ते चली जाती मैं तुम्हारा गर्भ कुछ छोड़। मुनि पराशर कहने लगे देवी मेरा वीर्य तुम्हारे गर्भ में कभी रुक नहीं सकता। मेरे पार पहुंचते ही ये पुत्र बन करके उत्पन्न हो जाए। इनमें पुत्र बनिए पैदा हो जाना जिया गल सुनी वो बेचारी चुप हुई। पराशर मुनि पार जाने में बन गया। ये कुड़े में की बेड़ी पर पार टपाई वो बेड़ी चल गुम हुई। बेड़ी चा बेशक गुम होया। पराशर मुनि ये संगम का फल जड़ा सत्यवती ने गंगा देवी उससे वेला एक पुत्र की जन्म दिता। उन्हें वो चुकिया गंगा स्त्री सुना रहे वीर व्यास। बेटा उसी समय ऋषि पराशर के द्वारा मेरा सत्यवती से जन्म हुआ। ऋषि आपू ते नस्सी पराशर ते मिगी मेरी मां ने सत्यवती ने गंगा छुट्टी उड़े मरी जा। मेरा मुंह पे काना अपने पाप को छुपाने के लिए कौन यत्न नहीं करता। परंतु आज तक किसी का पाप छुप ना सका। बहुत देरी लोगों ने अपने पापों को छुपाने की कोशिश की। जैसे जैसे किसी ने अपने पाप को छिपाया पाप फूलने लगा। यूं ही सत्यवती ने अपने पुत्र को फेंका। पुत्र का नाम वीर व्यास। जब मैं सोड़ता चली गंगा जिया गंगा चा पार गया निकल देगा जुआन हुई है। मैं मत्था टेक गया आख्या मां तुम ही पैदा किता है जदों को मेरी जरूरत पर है फिर तुम ही सती तेरी आवश्यकता देवी सत्यवती को तब पड़ी जब वर्ष बीत गए। पर हमने गल छुपाई रखी। उनने ऐसी कोटी गल रखी कि उसे पता नहीं लगे। बेटा इस माया से कोई बच नहीं सकता तुम विवाह कर लो। दलीलां दे बड़ियां दित्तियां पर कोई अर्थ नहीं आईया। सुखदेव ने गल नहीं मन्नी। सुखदेव जी जंगल च चली एक कुल्ली पाई लई। कुल्ली च उन्हें तपस्या करते रहना। एक दिन अद्धी रात ही वेद व्यास से मने जाया चलो दिखियो चे सारा जावे तो किन्नी तपस्या करता किन्नी पानी वो केड़ी चीज है जिसे पानी लग्या ते गिल्ली नहीं हुआ? ये ठीक है पानी असर नहीं करो पर गिल्ली जरूर करी उड़ता। जिस वेले वेद व्यास मुनि पुत्र कोल जान लगे, उन्हें एक जनानी का रूप बनाई लिया। सुखदेव की कुल्ली का कोल जी है रोना शुरू कर लिया। जोरी जोरी आखन, सुखदेव जी मुनि जी मुझे बचाओ, मैं अकेली हूँ। इस जंगल में शेर, चीते, भालू, भेड़िए, सांप हैं, आप मुझे बचाओ। सुखदेव मुनि आखन लगे, देवी मैं बाहर नहीं आना, तू कोई भी हुए मैं नहीं आना। जिले दरवाजे जानिए, उस माया की जनानी ने आखिया, महाराज जिले संत महात्मा होंगे वो अपने लिए नहीं जींदे, कभी उन्हें अपने प्राण भी दूंगे नहीं, तजने पाउन ते छोड़ू। महाराज उस मिगी ने परेशान करा दे। सुखदेव मुनि अंदर दा बाहर आए, अखी मीची रखिया उसी दिखिया नहीं। आखन लगे, देवी तू कुल्ली च रहो ते अंदर दा दरवाजा बंद करी उड़, जे कोई भी आवे तू दरवाजा नहीं खोलना, कदे कोई तू भी आनी है ये गल आखो, मैं सुखदेव हां ते तू तां भी नहीं खोलना। मतलब उनके अपने प्यारे जेडे डगमगाइए दे। जिस वेले बाहर चली, थोड़ा चिर होया, मने च सोचन लगे मेरा पिता इन्नी गुण गांदा हा, ब्याह करने दे, मैं ब्याह ते नहीं कीता, ये जिहड़ी जनानी आई दी मैं इसी अखी करने गया दिखी नहीं। मने च काम जागी पिया, कोला नहीं आखन लगे, देवी दरवाजा खोली उड़ो। देवी होंदी तां ते खोल दी, अंदर ते देवा वहां तो पिता वीर व्यास है। उसने काम च वशीभूत होए दे एक बखी दा कुल्ली पाड़ी उड़ी। अंदर झांकिया दिखिया ते बड़ी बड़ी लम्मी दाढ़ी ते पिता वीर व्यास ने समाधि लाई दी। मुनि सुखदेव जाते ही दंडवत प्रणाम करते कहते, पिता मैं भूल गया। पिता मेरे व्यास का बेटा तुम नहीं, आज तक जो भी हुआ सो भूल भी गया। तभी शास्त्रों ने वर्णन किया, आश्रमाराश्रमं गच्छेत् अनाश्रमेन तिष्ठेत्। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, पहले सबसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। राजा परीक्षित मुनि की बातें सुनते और घर नैमिषारण्य तीर्थ पर रहने वाले सारे के सारे ऋषि मुनि सुखदेव जी के चरित्र को सुनकर परम प्रसन्न। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की जय। मैं सुना करता आपसे मिगी कथा सुनाने का मतलब नहीं सा, मैं ते अपनी गल सुना रहा। ऋषि पराशर दे बहाने कि पराशर ऋषि 1000 साल तप करिए भी जे डिगी सकता नींद ते कला दा छोकरा है। तुस जिन्हें अपनी कन्ना अज मेरा पर फुल सुट दे हो ना, जिस ग्रां जन्ना बड़ा स्वागत बड़ा मान करते, मैं सोचना इन्हें कड़े हथे गन्ना तुसें कुदै इयां फेडे मुंह नहीं आखता। ये समय बहुत बलवान और याद रखना समय की गति तेरी। जिन हाथों से हम किसी को हार पहनाते हैं, दूसरे क्षण फूलों की हार की जगह जूतों का हार बनता है, क्योंकि समय बदलता है। यदि कल कहीं मेरी बुद्धि खराब हो जाए, कभी कल मेरी अकल खराब हो जा, कल मैं रावण बनी जा। जे कुछ लोग आज पीछे पीछे जमदे हो शास्त्री महाराज जी, आप को दुनिया क्या शायद आप बातों में उलझ गए होंगे, मेरी गलें फसी बाल कृष्ण लाल सरल संतों सत्य सनातन धर्म। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। बैठे बैठे आरती करो, प्रसाद ले जाओ। के संकट दास जनों के हाथ लगिया जो ध्यावे फल पावे दुख सुख सम्मति करे आवे सुख सम्मति करे आवे जन चेतन का। ओम जय जगदीश तुम मेरे शरण जोड़िए मैं किसकी शरण करूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश रे पूरन परमात्मा तुम अंतर जामी स्वामी तुम अंतर जामी। पार परम परमेश्वर पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश रे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। इस विद मिलो दयामी, इस विद मिलो दयामी, तुम कौन तुम ओम जय जगदीश रे, दीन बंधु दुख हरता कर तुम मेरे, निरक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने जल्दी लगाओ, द्वार पड़ो तेरे, ओम जय जगदीश रे, तारो पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश रे, तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश रे, ये सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत आनंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवायत पल पावे, ओम जय जगदीश रे, त्रैलोक कृपा करके दीजो, महिमा करके दीजो, शरण कमल करके, ओम जय जगदीश रे, सब दर छोड़ के मैं आया द्वारे तेरे, स्वामी आया द्वारे तेरे, चरण का दास बनाओ, चरण का दास बनाओ, गुण बख्शो मेरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, भरतिया राम चंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव।